नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिनभर के कार्यक्रम में। मैं हूं अनु शर्मा। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। झारखंड में भाजपा की नीयत डुबोने पर सुजानपुर के कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने भाजपा पर किया तीखा हमला। राजेंद्र राणा ने भाजपा पर देश की अर्थव्यवस्था के सत्यानाश करने का लगाया आरोप। फाइनेंस कंपनी का एजेंट बताकर गाड़ियां दिलवाने के नाम पर व्यक्ति से धोखे से 3,40,000 रुपए ठगने वाले आरोपी को पुलिस ने कालका से किया गिरफ्तार। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारी संगठन उतरा सड़कों पर। रैली के माध्यम से सरकार से आग्रह किया कि पुरानी पेंशन को जल्द किया जाए बहाल। हमीरपुर के आदर्श पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। प्रतियोगिता के दौरान बच्चों में देखा गया खासा उत्साह।